क्या पीना है तुझे बैठ के? क्या पीना? कैंपा। अभी अभी कैंपा पे आ गई। हमने बहुत सुना था साउथ गोवा भीड़ नहीं होती बताई, लेकिन लोगों ने भीड़ ना बोल बोल के भीड़ कर रखी है। आई थिंक यहाँ अंजुना से ज्यादा भीड़ होगी। अंजुना से ज्यादा भीड़ है और ये थोड़ा ना मुंबई जैसी वाइब दे रहा है। मतलब मुंबई में अगर आप बीच पे जाओगे ना, जैसे कि मुंबई में फेमस बीच कौन सी है? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज डे 3 इन गोवा और अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं बॉब बीच रिजॉर्ट से और हमारी टैक्सी आ गई है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से एयरपोर्ट, उसके कुछ 1800 रुपये लिए हैं तो, क्योंकि यहाँ से कोई कैब नहीं मिल रही जिस लिए, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे साउथ गोवा। तो हम लोग एयरपोर्ट से एक सेल्फ ड्राइव टैक्सी करने वाले हैं। सो मैं आपको सब डिटेल्स बताऊँगा कि कहाँ से टैक्सी आपको मिलेगी, कितने रुपीज़ में मिलेगी, कौन सी टैक्सी मिलेगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए साउथ गोवा और हमें ये इटियोस लीवा मिल गई है और इसका जो रेंट है वो 1800 रुपये है पर डे का। ठीक है, इस दिनों में नहीं है, ये छुट्टियों के दिनों में थोड़ा है। हाँ, छुट्टियों के दिनों में थोड़ा ज़्यादा है, वरना मैं आपको अभी मिलवाता हूँ जिन्होंने जिन सब ने कार ली वो आपको रेंट वेंट सब जब आप आ रहे हो तब आपको पूछ लेना कि कितना रेंट रहता है उस दिन का, क्योंकि अभी होली का सीज़न है इसीलिए ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब मैं मिलवाता हूँ जिन भाई से जिन सब ने कार ली। आपका नाम? चंद्रशेखर बरेगल। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ थोड़ी जी। अच्छा, और आपकी कौन सी कंपनी है कार की? हमारी ZCR कार रेंटल सर्विस और शिव साई कार रेंटल सर्विस है। अच्छा, वो वास्को एयरपोर्ट गोवा दाबोली एयरपोर्ट पे पास है, तो आप जब चाहे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दोनों करते हो? दोनों करते हैं, उनका उसका अलग से चार्ज रहेगा पिकअप एंड ड्रॉप। पिकअप एंड ड्रॉप का ओके, बाकी का जो गेस्ट आके हमें कॉन्टेक्ट करके कर सकते हैं आप। और आपके पास हैचबैक सेडान एसयूवी सब है ना? सब मिलेगी, सब मिलेगी, आप जो भी इंक्वायरी से कॉल करके आप पूछ सकते हो। अच्छा, तो इन भाई का चंद्रशेखर भाई का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप वो आ रहे हैं तो डेफिनेटली कांटेक्ट करो, बहुत ही अच्छी सर्विस मिली है। और कार जो है ना, कार आप ले रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि एक बार आप वीडियो पूरा ले लें ताकि कार में कोई स्क्रैचेस या फिर कुछ है तो आपको पता चल जाए कि भाई ये कार में प्रॉब्लम है, ताकि जब आप ड्रॉप करने जाए तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे भाई बहुत ही अच्छे हैं, हमें बहुत ही अच्छी सर्विस मिली है और थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिला है, पर वो हमें मिला है। आप अपना जब आ रहे हो तब देख लेना, डेफिनेटली आई विल रिकमेंड। ज़्यादा रहता है हाँ, अभी होली है ना, इसलिए मैंने हमने 15 जगह कॉल किया, सब जगह कार नहीं है, फिर फाइनली चंद्रशेखर भाई मिले हमें, बहुत ही अच्छी सर्विस मिली है। तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में है उनका नंबर है, नाम है और एजेंसी का जो नाम है वो डाल दिया है। तो अब गोवा आ रहे हो कॉन्टैक्ट करो, साउथ गोवा नॉर्थ गोवा सब जगह है और काफ़ी सारी वेराइटी ऑफ कार्स भी है। तो थैंक यू अगेन। यस सर, वेलकम। ठीक है, होप करते हैं कि हमारे जो दर्शक है ऑडियंस है वो आए और गोवा में आपकी जरूर 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 हम उनकी सेवा के लिए आए हैं। ठीक है, कर्ण कैसा लग रहा है? अच्छी है कार, मतलब ब्रेक और क्लच थोड़ा ऐसा ऐसा है, इतने परफेक्ट नहीं है। और वन मोर पॉइंट कि जब आप कार बुक कर रहे हो तब मेक श्योर कि आप कार के थोड़े टेस्ट ड्राइव ले लो ताकि आपको क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का थोड़ा पता चल जाए, अदरवाइज तो कार ठीक है, चलने में बहुत स्मूथ नहीं। बट मुझे लग रहा है तुम इतनी बार कार चलाते हो तो कार ऐसी मिलेगी तुमको ना? हाँ, मतलब तो, हाँ। रेंटल कार में ऐसा ही होता है, जनरली इतनी अच्छी नहीं मिलती, बट अगर नई टाइप कार है अगर उन लोगों ने सर्विस करवा के रखी है देन क्लच एंड ब्रेक अच्छा रहेगा। इसका थोड़ा क्लच एंड ब्रेक लूज है, अदरवाइज ECU सिस्टम सब परफेक्ट वर्किंग है। आई गेस अगर आप लोग ऑनलाइन भी बुक करा रहे हो तो मुझे नहीं पता कैसे पता लगेगा कि कार कैसी है, क्योंकि ऑनलाइन बुक में भी आप थोड़ा ना यहाँ के देखोगे कार कैसी है, तो डिपेंड करता है। मे बी आप यहाँ के टेस्ट ड्राइव लोगे तो आपको पता लग जाएगा, और उसके पास अगर उसी रेंज में कार है ना तो वो दे देगा आपको, तो डिपेंड करता है। बस दैट्स ऑल, हम साउथ गोवा जा रहे हैं, 1.5 घंटे का रास्ता है। करण बहुत स्लो चला रहा है बिकॉज उसको डर लग रहा है, क्लच और ब्रेक का डर लग रहा है। तो हम लोगों ने अभी, हमें भूख भी लग रही है, वहाँ जाके खाएंगे और आपको अपडेट देना स्टार्ट करेंगे कि हम लोग वहाँ क्या क्या करने वाले हैं, हमें भी कुछ नहीं पता है, पहले जाके रेस्ट करने का प्लान है हमारा। सो लेट्स सी, सी यू इन अ वाइल, बाय बाय गाइस। अभी करंट फिर 1 घंटा बाकी है ना हमारा, अभी तक 1 घंटा बाकी है, करण बॉस
स्लो कार चला रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं इसको धक्का मार के निकाल दूं कार से बाहर और मैं ले लूं। तू तो मुझसे भी स्लो चलाएगी। और मैं तो इसको 15 मिनट में पहुंचा दूंगी, 15 मिनट या 15 मिनट में तेरे को। ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी सिर्फ यही अपडेट है, अगर आप आ रहे हैं पालोलेम की तरफ तो काइंडली वो कोने में जूस वाले भैया होते हैं ना, वहां से जूस पी के जाना, बहुत मस्त था। करण कैसा लगा था? जाना कहाँ पहले ये बता। जाना कहाँ? हाँ मैं डायरेक्शन बताऊँ, मिलती हूँ आपको, बाय बाय। फाइनली हम लोग पहुंच गए ब्रशवुड विला रिजॉर्ट में। तो आइए हम देते हैं अंदर रूम टूर आपको। सो ऐसा कुछ रूम है, पूरा लकड़ी का है और काफ़ी अच्छी वाइब दे रहा है। लेट मी शो यू हाउ इज द बाथरूम। बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है, एसी है, पूरा लकड़ी का है और टीवी है, मिरर, और उसके साथ है यहाँ पे अलमारी। नहीं होता है कि किसने बुक कराया था? और ये अंजलि ने बुक बहुत ही साउथ में है, तो आपको कम से कम एयरपोर्ट से 80 किलोमीटर आना पड़ेगा। डेढ़ घंटा लगा तो हमें 1.5 घंटा कुछ लगा, पर रोड काफी अमेजिंग है, काफी जगह पे आपको उदयपुर सापुतारा, उदयपुर नहीं माउंट आबू सापुतारा की याद दिलाएगा। सापुतारा की याद दिलाएगा। अब हम लोग थोड़ा फूड ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे, और फूड खाने के बाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बाहर जो कौन सी बीच है यहाँ पे। पालोलेम बीच है, वो याद नहीं रहता इसको ना, वो याद नहीं रहता। तो अभी थोड़ी देर फिर सो जाएंगे, शायद फ्रेश हो जाएंगे थोड़ा, अभी बहुत धूप है, बहुत ही गर्मी है, तो वो कम हो जाएगी 4:30-5 बजे फिर बाहर निकलेंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अभी बज रहा है शाम के 4:30 और हम लोग निकल चुके हैं हमारे रिजॉर्ट से, और अंजलि का चश्मा डूब गया था इसलिए हम लोग चश्मा निकलवाने आए थे यहाँ पे कोहिनूर ऑप्टिशियन के पास आए थे। बट अभी वो बंद है, तो पूछने गए कि यहाँ आसपास कोई और ऑप्टिशियन है, तो चश्मा बना रहे थे क्योंकि उसको आधे ढंग कुछ दिखता नहीं है, और जो गॉगल्स है उसमें वो नंबर वाला है तो उसको पहन के निकल रही है। तो देखते हैं कोई मिलेगा तो ठीक है, वरना फिर डायरेक्ट चलते हैं पालोलेम बीच और वहाँ पे ही शैक्स में कहीं पे नाश्ता कर लेंगे या फिर कुछ है, देखते हैं। आज का तो वही प्लान है, और तो कुछ है नहीं। क्या हुआ है? चर्च से पहले है कोई शॉप। कहाँ पे? चर्च है ना आगे। हाँ उससे पहले है कुछ। अच्छा मिल गया। हाँ ठीक है, चलो तो करके आते हैं, तो देख के आते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो एक दिन से चल रही है। अंजलि जी का सर दर्द हो रहा है और देख भी नहीं पा रही है। अच्छा तो लॉक कर रहा था। हाँ। मुझे लगा पता नहीं क्या बड़े बड़े कर रहा है। 12 seconds later. So, अगर आप पालोलेम आ रहे हो और अगर आपको चश्मा बनवाना है प्लीज इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिए अंजलि को। ऐसे ऐसे चश्मा मिल गया था दोस्तों, ऐसे 10 मिनट में खड़े खड़े वहाँ पे चश्मा। अरे लिटरली मतलब मैंने इतनी बार चश्मा बनवाया, मैंने कभी नहीं देखा, उसने 10 मिनट में चश्मा बना के दे दिया। और क्या बोलते शेट्टी करके यहाँ पर पालोलेम में, शेट्टी आई हॉस्पिटल ऐसा सर्च करना पालोलेम के आसपास अगर आप है तो, आपके नंबर अगर 2 से कम है तो खड़े खड़े आपको चश्मा। उसने बोला कि हमारे पास मोस्टली लोग ऐसे आते हैं जिनका पानी में डूब जाता है चश्मा, और -2 तक वो रखते ही है, मतलब लेंसेज रखते ही है वहाँ पर। तो आप आ रहे हो तो शेट्टी में कर सकते हो, पानी में डूब गए, अगर बंदा ही डूब गया तो फिर कुछ नहीं, आपको ऐसी टहलने का मेरा तो डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, शेट्टी हॉस्पिटल लिखे। कैसा लग रहा है चश्मा? ठीक है चल, हो गया चल। मैं सस्ता चश्मा बनाया मैंने, ये मेरे को एक और था बट वो बहुत महंगा था, मैंने बोला कौन ही अभी डूब जाए तो रोना तो कमाएगा, एटलीस्ट मैंने सस्ता ही बनवा लिया। फिर अभी सब पता चल गया ना कि यहाँ मिलता है इसीलिए डूबा के आएगी। अरे नहीं अब मैं तो इसको लगाऊंगी नहीं, डूबने जाऊंगी सब। ओके चलो तो चलते हैं पालोलेम और मिलते हैं आपको वहाँ पे। क्या पीना है तुझे बैठ के? क्या पीना? कैंपा। अभी कैंपा पे आ गई। अभी तो ऑरेंज वॉड का ढूंढ रही थी तू। हमारा फ्रेंड है ना भार्गव ने कहा था, एक्चुअली भार्गव तूने कहा था ना मेरे को। तो पहुंच गए हम लोग पालोलेम बीच, और यहाँ पे पार्किंग है उसमें 100 रुपीज़ चार्ज है, 6 घंटे तक आप पार्क कर सकते हो। सो मेक श्योर 4-व्हीलर तो 100 रुपीज़ है, और पार्किंग काफ़ी अच्छा बड़ा है, और ये एक पालोलेम बीच रिजॉर्ट है
हम लोग चेक कर रहे थे जब बुकिंग करना है, तो तब हमें नहीं मिली सीट, मतलब रूम नहीं मिला। और ये भी अच्छा है, डायरेक्ट बीच पे ही है। सो पालोलिम आ रहे हो तो पालोलिम बीच रिजॉर्ट भी आप रुक सकते हो, रीजनेबल है और बीच के एग्जैक्ट सामने ही है। पालोलिम में ना कम भीड़ होगी, मतलब हमने बहुत सुना था साउथ में भीड़ नहीं होती, भीड़ नहीं होती बताई, लेकिन लोगों ने भीड़ ना बोल बोल के भीड़ कर रखी है। आई थिंक यहाँ अंजुना से ज्यादा भीड़ होगी, अंजुना से ज्यादा भीड़ है। और ये थोड़ा ना मुंबई जैसी वाइब दे रहा है, मतलब मुंबई में अगर आप बीच पे जाओगे ना, जैसे कि मुंबई में फेमस बीच कौन सी है, जुहू बीच है, बट मुंबई के बीच में आप जाओगे ना जुहू बीच ऐसा, इसमें सेम काइंड ऑफ वाइब मिलेगी आपको, बस शहर से रोड थोड़े कम होते हैं, बाकी जो पब्लिक है बोट्स है और ये जब सारी चीज़ें वो काफ़ी सिमिलर वाइब दे रही है, मतलब मज़ा आ रहा है। हमें लगा पब्लिक कम होगी, बट फॉर्चुनेटली ज़्यादा पब्लिक है अंजुना की कंपेयर में भी। तो हमारी फोटाफाटी कंप्लीट हो चुकी है, हमारी फोटाफाटी टाइम लैप्स में आई है, इसलिए हम दोबारा शूट करें, इतना बड़ा नोबोका है ये शॉट हम वापस शूट करें, क्योंकि हमारा टाइम लैप्स बन गया था, वीडियो नॉर्मल नहीं था, इसलिए वापस डायलॉग मत, फोटाफाटी आ गई है। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको फोटोज़ मिल जाएगी, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। इंस्टाग्राम पे फोटो आएगी ना, अभी दारू पीनी है, दारू चढ़ गई तुझे? शाला, मैं दारू नहीं। हम जाते हैं दारू पीने के लिए, अंजलि को बहुत जोर से तलब लगी है दारू पीने की, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और ये भी मैंने दूसरी बार बोला है, अब मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा कौन दारू पीता है, पता लगेगा। कोई नहीं पीता, हम दोनों से बहुत शरीफ है, इसलिए तो हम लोग उस कैब ड्राइवर को भी बोल रहे थे, हम दोनों में से कोई पीता नहीं है, फिर भी हम लोग गोवा घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों आए। लेट्स सी आगे जाके बैठते कोई स्नैक्स में कहीं पे, अगर अच्छा स्नैक्स मिल गया तो वो भी करेंगे। स्नैक्स पता कर, हमने 260 में 6 पीस मंचूरियन खाए। हम ट्रैवल व्लॉगर है, गरीब व्लॉगर नहीं है। गरीब व्लॉगर बताना तो पड़ता है ना कितना महंगा है, गोवा बहुत महंगा है बहुत महंगा है। बैठा है कैफे डेल मार में, और ऐसा कुछ एम्बियंस है इसका, 750 पर पर्सन है, आप एंट्री गिन सकते हो, उसमें अनलिमिटेड ड्रिंक्स है और अनलिमिटेड फूड है, नहीं है मतलब 750 तक का, उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको पे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। बहुत मस्त है, सोचा कि गोवा आया तो थोड़ा, स्टार्टिंग से मेरा सपना था इस जगह पे बैठ के, बचपन से सपना था, मैं पैदा हुई थी तब से मेरा सपना था, तब से मेरा सपना था, तब से मैं सपना, लेकिन बहुत मस्त एम्बियंस है, लव्ड है। और सामने समंदर है, उस बीच पे हम लोग बैठे हैं, और दिस इज रियली गुड। सो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं बिबिंका करके, गोवन स्वीट डिश है, एंड ऐसी कुछ दिखती है, डोंट वरी वेज ही है, स्वीट डिश है। और अभी हम लोग, मैं ट्राई कर रहा हूँ सूजी की बनी है, सूजी की बनी हुई है, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको वेनिला आइसक्रीम के साथ, इट्स रियली डिलीशियस। अगर आप गोवा आ रहे हो, बिबिन का नाम है, डेफिनेटली ट्राई करिएगा। सो फाइनली हम लोग आ गए हमारी प्रॉपर्टी पे, रशवुड रिजॉर्ट, और ये काम चल रहा है। अरे इतनी मिट्टी है, गोवा की जो वाइब्स की बात करे थे ना, वो वही है, ये देखो गोवा की वाइब्स है। अभी हम भी ऐसे अपने आपको बाथरूम में पटकेंगे सर, इसीलिए दो साबुन और वो शैम्पू मंगवाए, हम अपने आप को भी साफ करेंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और कल हमारा एक फोर्ट देखने का प्लान है, देन दो बीच है यहाँ पे वो कवर करने हैं। सो बाकी का जो प्लान है वो अभी कल ही बताएंगे, क्योंकि होली है, तो होली का कोई फेस्टिवल होगा तो किसी बीच पे जाके हम मनाएंगे तो नहीं, पर देखेंगे क्या होता है। तो अगर दिस फॉर टुडेज़ वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करें, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब नेक्स्ट व्लॉग लाए उसका सबसे पहले आपको अपडेट मिले। एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।